मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सहनी गिरोह के चार बदमाशों को आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल सहित 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया। जिले में आए दिन हो रहे लूट की घटना के बाद मोतिहारी के एसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया था। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों ने लूटपाट की कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। हम लोग अभी 7 घटनाओं को हम लोग उद्भेदित कर पाए हैं। कुल 4 अपराधी पकड़े गए हैं, अभी भी 3 की गिरफ्तारी बाकी है। लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, 3 हथियार बरामद हुए हैं, लूटा हुआ टैब बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि इस जिले से लूटी हुई नहीं है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनका नाम मुकेश सहनी, संदीप सहनी, विनोद सहनी और फुलेना सहनी, 4 लोग पकड़ाए हैं, 3 लोगों को पकड़ना बाकी है। कितने हथियार बरामद हुए? 3 हथियार है टोटल, टोटल 3 हथियार हैं और 3 लूटी हुई मोटरसाइकिल हैं। लोगों की गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से हुई? 4 लोग में 2 लोग पकड़े गए हैं पिपरा से और 2 लोग पकड़े गए बंजरिया थाना क्षेत्र से। हम लोग इसको मधुबन से पकड़े गए हैं 2 लोग और 2 लोग बंजरिया थाना से इसको पकड़े गए हैं। 4 लोग को जेल भेजा गया। पूर्ण दिन का आपराधिक आपराधिक इतिहास है। विनोद सहनी और फुलेना सहनी लगभग 8 केस में वॉन्टेड रहे हैं पहले, और जो बंजरिया से इनकी गिरफ्तारी हुई है इनके ऊपर भी लगभग 5 केस पहले से हैं। सभी आम सेक्ट और लूट के केसेस हैं इनका। पहले से आपराधिक इतिहास है, पहले जेल में रहे भी हैं ये लोग, जेल से निकलने के बाद फिर ये अपराधी नहीं किया।